हेलो व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरा लहसुन कीमा, तो चलिए शुरू करते हैं। डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरा लहसुन का कीमा बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर में 5 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 तेज़पत्ता, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 बादियान का फूल, 5 काली मिर्च और 1 दालचीनी। कुछ सेकंड्स तक खड़े मसालों को तेल में सोटे कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 मीडियम साइज़ की प्याज, तो इन प्याज को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और इसको तब तक तेल में फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ी सुनहरी ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर थोड़ा गोल्डन होने लगा है, तो इतना ही हम इसे फ्राई करेंगे। और इस स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम प्याज के साथ तेल में 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसे 1 मिनट के लिए और भून लिया। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक या फिर 1 टीस्पून नमक। सूखे मसाले ऐड करने के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। टमाटर को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर को मैंने मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1/4 कप पानी ऐड करके इन मसालों को लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए भून लूँगी। तो देखिए, मैंने लो फ्लेम पर 5 मिनट तक सारे मसालों को भून लिया। इस स्टेज पर मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मटन मिंस लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन मसालों के साथ 2 मिनट तक कीमे को और पकाएंगे। 2 मिनट तक मसालों के साथ कीमे को पकाने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 कप पानी। और प्रेशर कुकर को लीड से कवर करके हाई फ्लेम पर 1 प्रेशर आने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो हाई फ्लेम पर 1 प्रेशर आने के बाद गैस की फ्लेम को लो करके मैंने लो फ्लेम पर इसे 5 मिनट तक और पका लिया। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसके प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने देंगे और इसे खोल लेंगे। तो अब देख सकते हैं कि इसमें से कितना पानी रिलीज़ हो गया है। तो इसका पानी सूखने तक हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो कीमे का पानी सूखने तक मैंने इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और अब हम इसे गार्निश करेंगे हरे लहसुन से और अंडे से। तो ये जो प्रोसेस है, आप इसे कीमे को सर्व करने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेशर कुकर में ही कीमे की एक लेयर बना देंगे और इसमें ऐड कर देंगे हरा लहसुन। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप जितना हरा लहसुन लिया है। तो मैंने यहाँ पर हरे लहसुन का वाइट और ग्रीन पोर्शन दोनों लिया है, यानी कि इसकी टोटल क्वांटिटी 1.5 कप जितनी है। तो हरे लहसुन को हमें इस तरह से ऐड करना है ताकि इसकी पूरी एक लेयर बन जाए। तो मैंने कीमे पे लहसुन की एक लेयर बना दी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अंडे। तो मैंने 4 अंडों को अच्छे से फेंट लिया है और इसकी एक लेयर बनाऊँगी। तो तीनों लेयर मैंने अच्छे से सेट कर दी है। अब मैं इस पर 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून तेज़ गरम घी। तो यहाँ पर घी को हम अच्छे से गरम कर लेंगे और चूल्हे पे से उतार कर तुरंत इस पर ऐड कर देंगे। वैसे आप यहाँ पर देसी घी की जगह गर्मा गर्म तेल भी ऐड कर सकते हैं। और इस स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो मैंने इसे कवर करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और पका लिया। तो खाने के लिए तैयार है हरा लहसुन कीमा।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।